अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं YouTube पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज, शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं माशरे के उस बुरे पहलू पर बात करने जा रही हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इस हद तक कोई हार्ड वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रही, लेकिन हम इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि अब वो माशरे का बुरा पहलू हमें बुरा लगता ही नहीं है। उसको बड़ा ही बेहतरीन चीज़ समझी जाती है, उसको अपनी खुशी का एक जरिया समझा जाता है, उसे ये समझा जाता है कि अगर ये नहीं होगा तो भाई फिर तो कुछ हो ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, फिर मज़ा कैसे आएगा। अभी मैंने रिसेंट पास्ट में 2 दिन के अंदर अंदर 2 या 3 वीडियोज़ देखी। एक वीडियो मैंने देखी हासिलपुर कॉलेज की, जहाँ पर बाकायदा मुजरे हो रहे हैं। फिर इसी तरह से एक स्कूल का मैंने फंक्शन देखा, वहाँ पर भी इसी तरह के मुजरे नुमा डांस हो रहे हैं। फिर मुझे ये पता चला कि जी ये तो अभी नई बात नहीं है, ये तो पुरानी बात हो चुकी है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मुझे बताए गए, वहाँ की चीज़ें मुझे दिखाई गई कि जी इन यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर तो जब इनकी पार्टीज़ होती हैं, इनका कल्चर होता है, इसी तरह की चीज़ें होती हैं। फैसलाबाद का जो वाकया हुआ, जिस पर मैं 3-4 दिन पहले वीडियो कर रही थी, तो उसी दौरान मैं कुछ चीज़ें देख रही थी और मुझे पता चला कि एक टिकटॉकर खातून है, उनकी कुछ वीडियोस सामने आ गई। और उनकी वीडियोस जब मैंने यूट्यूब पर देखी तो मैं तो बहुत हैरान रह गई कि ये खातून ये काम करती हैं। और ये लाइक फिर थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, फिर मुझे याद आना शुरू हुआ कि एक वक्त होता था कि जब शादियों में ये मुजरा करने वाली ख्वातीन को बाकायदा मधु किया जाता था और घर की औरतें जो हैं वो नहीं हुआ करती थी उस इवेंट में, जो मर्द हजरात होते थे वो इन मुजरों को एंजॉय किया करते थे, और जिन घरानों का ये पीने पिलाने वाला सिलसिला है वो भी सब कुछ चल रहा होता था और ये मुजरे चल रहे होते थे। हमारी तो खैर बड़ी पार्लियामेंट की और वहाँ के लोगों की भी इस तरह की तारीखें हैं। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रही, क्योंकि मैं आज सिर्फ आवाम की बात करना चाह रही हूँ, हमारे बिहेवियर्स की बात करना चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैं उस तरफ जा ही नहीं रही। फिर अब कल्चर चेंज होते हुए सोसाइटी में अगर आप देखें, और अगेन मैं वही बात कहूँगी जो मैंने आगाज़ में कही कि ये पहलू इतना कॉमन हो चुका है कि अब इसे बुरा ही नहीं समझा जाता, इसे शान समझा जाता है, इसे प्राउड समझा जाता है, इसे ये समझा जाता है कि अगर नहीं किया तो भाई पता नहीं बेइज्जती ना हो जाए कहीं। क्या हो रहा होता है अब, वो चाहे इलीट क्लास की आप फैमिलीज की तकरीबात देखें, चाहे आप लोअर मिडिल क्लास की तकरीबात देखें, मिडिल क्लास की तकरीबात देखें, हर तकरीब में क्या हो रहा है उस पर मैं बात करने जा रही हूँ। पहले कभी शादियों में, फंक्शंस में मेहंदियाँ हुआ करती थी, मेहंदियों में जो बच्चियाँ लड़कियाँ घर की हुआ करती थी, गाने गाया करती थी, डांडियाँ खेला करती थी, लुडियाँ, पंजाब का एक कल्चर था, लुडियाँ खेला करती थी, डाला करती थी। अब ये कल्चर चेंज होके क्या हो गया जनाबे वाला, लड़के लड़कियाँ मिलकर जो है वो बाकायदा मुकम्मल तौर पर डांस परफॉर्मेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। हमारी सेलिब्रिटीज़ भी बाकायदा टीवी पर आके इस चीज़ को बताती हैं कि जी हमारे घर में हमारी बेटी ने और मैंने इतनी ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस की, हमने ये किया वो किया। जब मैंने ये सोचा कि क्या उन मुजरा करने वाली ख्वातीन की जगह हमारे घर की बेटियों ने ले ली है, अब जो ये मुजरा किया करती थी शादियों में आकर, अब उन मुजरा करने वाली औरतों का धंधा बंद हो गया और हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की लड़कियां, हमारे घरों की बच्चियां वो ये सारी हरकतें करने लगी हैं, वो मुजरे करने लगी हैं, वो डांस परफॉर्मेंसेस करने लगी हैं। वहां पर जो बेटी के, लड़की के बाप भी मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं, जो ससुराल के लड़का या लड़की के ससुराल के जो गेस्ट आए हुए हैं वो भी मौजूद हैं, बहुत सारे मर्द हजरात मौजूद हैं, बड़े बड़े शिमलों वाली फैमिलीज उनकी बेटियां नाच रही हैं जी, मुजरे हो रहे हैं, उनकी बेटियां मुजरे कर रही हैं। मेरी नज़र में जो एक वक्त का मैंने आपको बताया कि एक वक्त हुआ करता था कि जब लड़कियां, जब ये शादियों के फंक्शंस में और किसी भी खुशी के फंक्शंस में मर्द हजरात मुजरे करने वाली ख्वातीन को बुलाया करते थे, तो अब ये हमारी बच्चियां कर रही हैं, अब ये हमारी बेटियां कर रही हैं, और इसको मायूब भी नहीं समझा जा रहा, इसको बुरा भी नहीं समझा जा रहा। जब घरों में इस तरह का कल्चर परवान चढ़ रहा है कि वहां पर डांस हो रहे हैं जी, डांस परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, और डांस परफॉर्मेंसेस भी एक होता है, चलें आप खुशी का इजहार करें, तमीज़ के दायरे में भी हल्का फुल्का सा कुछ हो जाए, लेकिन बाकायदा प्रॉपर
अगर आप लिबास वजाकता देखी जाए और अगर उन डांसर्स के तरीकेकार देखे जाए, उनके वीडियोस देखे जाए, तो सर शर्म से झुकता है। मेरी जैसी मेंटालिटी वालों का तो कम से कम सर शर्म से झुकता है। अगर मैं ये सोचती हूँ और इस लेवल पर जाकर सोचती हूँ कि जो मुजरा करने वाली ख्वातीन पहले हमारे घरों में आकर, हमारी फैमिलीज में आकर, जिन फैमिलीज में ये कल्चर हुआ करता था वहाँ पर आकर ये किया करती थी, तो अब उनका काम ख़त्म हो गया, अब घर की बेटियों ने और बच्चियों ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि जी अब उन मुजरा करने वाली ख्वातीन को नहीं बुलाएंगे, घर की बेटियाँ खुद नाच लेंगी, वो खुद डांस कर लेंगी। और फिर यहाँ पर बड़ा किरदार होता है माँ बाप भाई बेटे, कोई भी रोकता नहीं है, कोई भी मना करता नहीं है, कोई भी ये समझाता नहीं है कि क्या हो रहा है। बाकायदा मेहंदी के फंक्शंस के लिए बाप भाइयों की जानिब से डांस फ्लोर्स लगवाए जाते हैं। पहले तो अब बेटियां नाच रही थी, अब तो और थोड़े ऐसे एडवांस हो गए कि अब जो जिसको दुल्हन को शर्मो हया का पैकर कहा जाता है, सर पे दुपट्टा ओढ़ी हुई शर्माई हुई, एक वक्त था वो कल्चर हमें वो भी याद होगा कि दुल्हनों के चेहरे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज वही दुल्हनें उठ के नाच रही होती हैं, वही डांस कर रही होती हैं। ये उन कौमों का हाल होता है जो इस वक्त हमारा हाल हुआ हुआ है, जो अपना भी छोड़ देते हैं और दूसरों का अपनाने के चक्कर में वो कौवा हंस की चाल चलता है, तो ना अपना रहता है ना कौवा रहता है, वो वाला हाल हमारा हो चुका है। सोचने की मैं जिस तकलीफ के साथ ये बात कर रही हूँ ना, अगर आप लोग सोचने की कोशिश करें तो शायद आपको समझ आएगा। और शायद मेरे बहुत सारे करीबी कॉलीग्स हैं, दोस्त हैं, जिनकी फैमिलीज में मैं ये देख रही होती हूँ और मैं ये सोच रही होती हूँ कि कैसे आप अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ये अलाउ कर देते हैं कि तकरीब है जिसमें कई सारे लोग आपके गेस्ट भी हैं, कई सारे लोग बाहर के लोग भी हैं, आपके जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, जिनको आप खानदान के लोग कहते हैं, एक तरफ आपके खानदान के लोग होते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो दूल्हा या दुल्हन की तरफ से जो मेहमान आए हुए होते हैं वो तो आपके खानदान के लोग नहीं होते, बाहर के लोग होते हैं। उन सब के सामने, उन सब को महसूस करने के लिए हमारी बेटियां बची हैं। शादी में अगर खुशी का इजहार करना है तो अपने घरों में अंदर करें, घरों में जाकर ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इस चीज की जो मैं बात कर रही हूं, अगर इसकी नजाकत को समझा जाए, अगर समझने की कोशिश करें, तो वाकई वाकई सोचिए कि मुजरा करने वाली औरतों की जगह हमारी बहन बेटियों ने ले ली है शादियों में। उनको पैसे देके बुलाया जाता था, यहाँ पर ये खर्चा खत्म हो गया, ये खुशी के नाम पे बेटियां नाच रही हैं, खुशी के नाम पे डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। और फिर उसके बाद जब मेरे जैसा कोई बंदा इस तरह की बात करता है तो कहा जाता है कि जी भाई बहुत ही जो है मुल्लानी बनने की कोशिश कर रही हैं। फॉर गॉड सेक, ये मुल्लानी सोच नहीं है, ये मैं बहैसियत एक माँ मेरी सोच है। मैं तो अपनी बेटी को किसी के सामने ऐसे पेश नहीं कर सकती, वो खुशी का लम्हा हो, वो कोई सा भी लम्हा हो, क्यों, उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका अपना एक वकार है, औरत को बिल्कुल खुश होने का हक है। लेकिन क्या आप लोग ये चाहेंगे कि जो मैं तो उन मुजरा करने वाली औरतों के लिए भी दुआ गो हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनको अच्छा रोज़गार फराहम करे, अल्लाह ताला उनके हालात अच्छे करे कि वो इन चीज़ों से निकलें और अच्छी तरफ रागिब हों। लेकिन क्या हम ये गवारा करेंगे कि अगर आप इस थॉट प्रोसेस से सोचें कि आप अपनी बेटी को इजाज़त दे रहे हैं कि आप मुजरा करने वालों का काम करें, तो क्या आप इजाज़त देंगे? अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपकी गैरत को सलाम पेश करती हूँ, और अगर नहीं, अगर आपको मेरी बात महसूस हो रही है कुछ, अगर आपको उस तकलीफ़ का एहसास हो रहा है जो मैंने पिछले 2 से 3 दिन में महसूस किया, और मैंने सोचा कि जितने भी लोग हैं जो मेरे चैनल पर मौजूद होते हैं, जो मेरी बात को आकर सुनते हैं, 1% भी समझते हैं कि शायद मैं कुछ ढंग की बात कर रही होंगी, सही समझ रही होंगी, तो आप तमाम लोग मेरे अपने हैं, और मेरे अपनों तक कोई बेहतर अच्छी बात पहुंचाना, बताना, ये मैं अपना फ़र्ज समझती हूँ। मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, मुझे एक बात महसूस हुई और मैंने वो आप लोगों के सामने रख दी। अल्लाह ताला हम लोगों के हालात पे, हमारी हालत पर रहम फरमाए। फैसलाबाद की ऑलरेडी मैं वीडियो कर चुकी हूँ, लेकिन उसके कुछ मज़ीद मंदराजात और मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं, मैं चाह रही हूँ वो भी आप लोगों को बता दूँ। ये जो 4 बेशरम ख्वातीन थीं जिन्होंने अपने कपड़े खुद उतारे हैं, जिनका ये तरीक़ेकार था, उनके बारे में मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। जो इन्होंने FIR में नंबर दर्ज करवाया था, वो नंबर भी एक डाकू का नंबर था।
ये इससे पहले भी इस तरह की 2 से 3 कार्रवाइयां कर चुकी हैं, जहां पर इनका तरीक़ेकार यही रहा कि पकड़ी गई, कपड़े फाड़े, कपड़े उतार दिए, जिस पर इनको जो लोग आसपास, और मैं यही बात कर रही थी अपनी पिछली वीडियो में, ये मर्द डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, शरीफ आदमी डर जाता है, घबरा जाता है जब उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें, एलिगेशन उसके ऊपर लगाए जाएँ। जब किसी मर्द ने कुछ नहीं किया होता तब उसके मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इसी डर और घबराहट की वजह से वो केसेस दर्ज नहीं करवाए गए। इन ख्वातीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया है। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ किसी भी चीज़ को सही, गलत, अच्छा, बुरा कहने से पहले तहकीक ज़रूर कर लिया करें। जहाँ इस माशरे में बुरे मर्द पाए जाते हैं, वहीं इस माशरे में बुरी औरतें भी पाई जाती हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आप यकीन कीजिए, मुझे इस बात पे इतनी तकलीफ़ हुई है। मैंने अपने ही आसपास के लोगों में ये मेंटालिटी भी देखी है, जिन्होंने बात करते हुए मुझे ये तक कहा कि जो उन ख्वातीन ने कपड़े उतारे वो सही किया, क्योंकि वो मॉब वहाँ पर जो था वो उनको जान से मार डालता। इतनी दरिंदगी और इतनी हैवानियत है हमारे माशरे में, फॉर गॉड से क्या किसी भी स्टेज पर जाके ये सोचा जा सकता है कि किसी औरत ने अगर कपड़े उतारे तो भाई बिल्कुल सही किया, अपनी जान बचाने के लिए उसने सही किया। और जहाँ पर ये भी जस्टिफाइड हो रहा हो कि वाकई उनको जान से मारा जा रहा था, उनकी बुरी हालत की जा रही थी, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, तो उन्होंने एक्सट्रीम पे जाके ये काम किया, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग उस फुटेज को दोबारा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुरामा चलती हुई दूसरे रोड से आई हैं, और रोड पर आते हुए अपने आप को बेलिबास करते हुए उस मॉब के अंदर खुद घुसने की कोशिश कर रही हैं। एक ने अगर अपने आप को उठा के दुपट्टे से कवर किया है तो उसकी भी चादर को खींच कर और अपने आप को सरे बाजार करने की कोशिश की है खुद उन औरतों ने। तो मेरी तो हुकूमत वक्त से, पुलिस से, इदारों से गुजारिश है कि जहां हम मर्दों की सख्त सजाओं की बात करते हैं, वहां ऐसी औरतों को भी सख्त सजाएं होनी चाहिए जो कि औरत के तशख्स को ख़राब करने में बड़ा किरदार अदा करती हैं, माशरे के तशख्स को ख़राब करने में बड़ा किरदार अदा करती हैं। क्योंकि माशरा ऑन अ सीरियस नोट औरत से बनता है। औरत अपने घर में बच्चों की तरबियत करती है, वो बच्चे बाहर निकलते हैं, वो माशरा बनाते हैं। तो जब किसी औरत का ये किरदार हमारे सामने आता है तो उस पर ये जो औरत कार्ड खेलने वाली औरतें होती हैं, मुझे उन पर शदीद एतराज़ है, मुझे उनसे शदीद तकलीफ़ है कि आप यकीनन जो औरत को अदब, इज्जत, मर्तबा मिलना चाहिए उसकी मैं हामी हूँ, लेकिन जहाँ औरत गलत है, मेरी मुखालिफत ऐसी तमाम औरतों के लिए है कि जो औरत गलत है, जो औरत कार्ड को इस्तेमाल करे, जो किसी मर्द को जालिम साबित करने की कोशिश करे, जो किसी मर्द के ऊपर गलत इल्ज़ामात लगाकर उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश करे, मेरे लिए हर वो औरत उतनी ही सज़ा की हकदार है, उतनी ही बड़ी मुजरिम है जितना ये जना करने वाले, बच्चों के रेप करने वाले, दरिंदगी करने वाले मर्द जिम्मेदार होते हैं। वो काबिल सज़ा उनका जुर्म होता है, उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरीके से उन औरतों का भी यही हाल होना चाहिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। वीडियो के आगाज़ में जिस टॉपिक पर मैंने बात की है, प्लीज़ सोचने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। घरों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह पर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को इजाज़त दी, अपने घर से आगाज़ किया उन चीज़ों को। फिर जब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, मायूब नहीं लगता, क्योंकि शायद हम बेहिस हो चुके हैं या हम सो सॉरी बेगैरत हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।